morning, children. Class 6, how are you, children? Class 6, आप देख रहे हैं पार्ट 3 भिखारी. सारी क्वेश्चन आंसर हो गया बेटा और आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से लिखा भी पढ़ा भी. अब मैं बहुत ही गलती प्रश्न कर रहा हूँ. प्रश्न नंबर 1 है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. पहला वाक्य है गंगा स्नान, गंगा में स्नान पवित्र की अपवित्र माना जाता है. बेटा गंगा में स्नान करना पवित्र माना जाता है. हम आप प्रकृति पर राय लगाएंगे, आप पवित्र नहीं पवित्र पर. ये पहला. दूसरा वाक्य है पंडे यजमानो घरों की तीर्थ स्थलों पर दक्षिणा लेते हैं. जो पंडित लोग होते हैं वो तीर्थ स्थानों पर बैठे रहते हैं और वे यजमानों से अपने क्या लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं. संकल्प करवाया था निर्मल कुमार ने और निर्मल कुमार ने पंडित को दक्षिणा दिया था. आपको आपने पढ़ा था. तीसरा वाक्य है गंगा घाट पर दान देना फलदायी की अफलदायी माना जाता है. फलदायी माना जाता है. आप फलदायी में गंगा घाट पर अगर आप दान दे रहे हो तो फलीभूत होता है, फलदायी होता है. फिर है भिखारियों का आशीर्वाद. जो भिखारी लोग होते हैं उनको हम भी देते हैं. अगर वो अपने मुंह से आशीर्वाद दुआ देते हैं तो क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं. निम्न विकल्पों का उत्तर लिखो.
शब्द का क्या अर्थ है? गाना। धर्म का विरोध होगा, धर्म का अधर्म होगा, क्या होगा? अधर्म। फिर है युवक, युवक का स्त्रीलिंग होगा, युवक का युवक में होता है आदमी और युक्ति में होता है औरत, तो युवक का युक्ति होगा। फिर है आपका मुहर, निम्न शब्दों में विलोम शब्द है, निर्मल साफ स्वच्छ, विलोम होगा मणि, पूर्ण का होगा पाप, शीत का होगा वी, संतोष का आसन, प्रसन्न का आकर्षण, धनी का निधन, हंसना का रोना। ये आपका उम्र है और ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न क्लास वर्क है, नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके बाय।